नोएडा में डूब इलाके में नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के आदेश पर प्राधिकरण एक बार फिर कई फार्म हाउस को ध्वस्त किया। इस दौरान प्राधिकरण के 6 बुलडोजर और करीब 3 दर्जन कर्मचारी मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। बता दें कि अब तक प्राधिकरण ने 150 करोड़ से ज्यादा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। यमुना के डूब इलाके में बने अवैध फार्म हाउस को लेकर आज फिर प्राधिकरण की कार्रवाई देखी जा रही है। ताबड़तोड़ ये कार्रवाई जारी है। आप देख सकते हैं जो जेसीबी है वो यहाँ पर जो फार्म हाउस के लिए बना हुआ पक्का निर्माण है उसको तोड़ते हुए देखी जा रही हैं। करीब 2 घंटे का वक्त हो गया है। लगातार इसी तरीके से 6 बुलडोजर लगातार फार्म हाउस को ध्वस्त कर रहे हैं और जिस तरीके के निर्माण को यहाँ तोड़ा जा रहा है, इस तरीके के निर्माण बनाने पर प्रतिबंध है क्योंकि यमुना के डूब इलाके में ये पूरी ज़मीन आती है। और अभी तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 1 दर्जन के आसपास आज जो फार्म हाउस हैं वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो स्विमिंग पूल हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं, उन सबको लगातार तोड़े जाने का काम किया जा रहा है। प्राधिकरण की तरफ से साफ तरीके से चेतावनी दी गई है तमाम लोगों को कि अगर इस तरीके के फार्म हाउस का निर्माण किया गया है तो वो खुद ध्वस्त कर लें, अन्यथा प्राधिकरण इसी तरीके से इन फार्म हाउस को ध्वस्त करेगी। 4थी बार कार्रवाई प्राधिकरण की आज देखी जा रही है और अभी तक करीब 150 करोड़ के आसपास की जो ज़मीन है उसको कब्जा मुक्त इन फार्म हाउस से करा लिया गया है। सिंचाई विभाग, नोएडा प्राधिकरण और पुलिस के साथ मिलकर ये साझी कार्रवाई आज यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम जो अवैध फार्म हाउस यमुना के किनारे बने हुए हैं इनको निर्माण ना करने के लेकर यहाँ चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं और नोटिस भी दिए गए हैं। बावजूद उसके इस इलाके की अगर बात की जाए तो 2000 से ज़्यादा अवैध फार्म हाउस का यहाँ पर निर्माण कर उनको बेच दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।